शारदा निटिंग में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, आइए आज एक बार हम फिर से एक सुंदर सा डिज़ाइन का वीडियो देखेंगे। बच्चों के स्वेटर के लिए ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है और बनाने में बहुत ही आसान है। इसके लिए हमको दो के गुणा से फंदे चाहिए जमा एक, और हमने दो फंदे ये किनारों के लिए एक्स्ट्रा लिए हैं, दोनों तरफ किनारों के लिए। तो इस तरह से इसमें मल्टीपल ऑफ 2+1+2 एज स्टिचेस, किनारे के दो फंदे ये हमने लिया है। और ये चार लाइन का डिज़ाइन है, दो रंग हो गए और चार लाइनें हो गई, एक एक रंग से दो दो लाइनें बुनी जाएंगी। तो आइए, जैसे अब हमने ये शुरू कर रखा है, मानिए ये हम फंदे डालेंगे, तो उस तरह से हमने एक रंग से फंदे डाले हैं और अब हम दूसरे रंग से बुनाई शुरू करेंगे। ये हमारी फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड में हम पहली लाइन बुनने वाले हैं। तो किनारे का जो फंदा है वो हमने सीधा बुना है और इसके बाद हमारा जो डिज़ाइन की लाइन है वो शुरू होगी। पहला फंदा उल्टा बुना जाएगा और दूसरा फंदा K1 बिलो। एक सीधा फंदा बुनना है हमको, लेकिन हम जैसे इस तरह से सीधा फंदा बुनते हैं सलाई से सलाई टच कराकर, वैसे नहीं बुनना है। बिलो का मतलब नीचे, हमको एक लाइन नीचे जाकर इसको सीधा बुनना है। जो एक लाइन हम नीचे जाएंगे और इसको हम सीधा बुनेंगे, ये हमारा एक लाइन नीचे सीधा बुना हमने, और फिर उसके बाद हमको एक फंदा उल्टा बुनना है। इसी तरह से ये पूरी लाइन दोहराई जाएगी, एक फंदा उल्टा बुना जाएगा और एक फंदा नीचे जाकर, एक लाइन नीचे जाकर सीधा बुना जाएगा। तो ये हमारा P1 और ये हमारा K1 बिलो। इस तरह से ये हम पूरी लाइन अपनी दोहराएंगे। ये हम आखिरी बार कर रहे हैं, एक फंदा सीधे से नीचे से बुना हमने, एक लाइन नीचे से, और ये हमने एक उल्टा बुना। यहाँ तक हमारा डिज़ाइन था और ये आखिरी फंदा हमारा किनारे का फंदा है जिसको हमने सीधा बुन दिया। अब हमारी दूसरी लाइन आएगी। तो ये तो देखिए इसकी बैक साइड है ये, और अब हम दूसरी लाइन बुनते हैं। एक तो इसमें ये ध्यान रखना है कि हमको थोड़ी सी सलाई ऐसी रखनी है कि हमारा बुनाई टाइट ना हो, तभी डिज़ाइन खुलकर दिखाई देगा। तो वो आप अपने हाथ और ऊन के हिसाब से वो आप ख्याल कर सकते हैं। आप जिस भी सलाई पर बुनते हैं तो उससे एक नंबर बड़ी सलाई आप ले सकते हैं, तो ये डिज़ाइन खुलकर अच्छे से आ जाएगा। अब हम दूसरी सलाई पर आए हैं, तो इसी रंग से हमको दूसरी सलाई बेहद ही आसान है, वो हमको पूरी सीधी बुननी है, पूरी सलाई हमको सीधी बुननी है। तो आप लोगों से एक अनुरोध है कि कृपया शारदा निटिंग को सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत वैरायटी के, बुनाई, टोपी, मोज़ा, आप एक बार वीडियो लिस्ट में जाकर अपनी पसंद के वीडियोस देख सकते हैं। इस तरह से दूसरी लाइन हमारी ये पूरी हो रही है। वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ रहता है, मिस ना हो जाए वो, तो वीडियो अंत तक देखना ज़रूरी होता है। ये हमारी दूसरी लाइन पूरी हुई। अब हम रंग बदलेंगे। ये अब हमारा जो रंग है जिससे हमने फंदे डाले थे, इसको अब हम ले आएंगे ऊपर, और इससे हमको अब तीसरी सलाई बुननी है। तीसरी सलाई में भी पहला फंदा ये हमारा किनारे वाला हो गया, एज स्टिच हो गया ये हमारा, और अब उसके बाद ये हमारा पैटर्न रिपीट जिसे कहते हैं, डिज़ाइन जो दोहराया जाना है, एक फंदा नीचे से K1 बिलो और उसके बाद अगला फंदा उल्टा, इसको कहते हैं पर्ल 1। तो ये हमारा एक नीचे से और एक उल्टा, इस तरह से ये दूसरी लाइन डिज़ाइन की, वैसे तो ये तीसरी लाइन है, ये बुनी जाएगी। ये हो गया K1 बिलो और ये हो गया पर्ल 1।
इस तरह से ये हम पूरी लाइन बुनेंगे। तीसरी लाइन है और ये दूसरे वाले रंग से हम इसको बुन रहे हैं। ये हम तीसरी लाइन को बुनते हुए आखिर में लास्ट में आ रहे हैं और यहाँ तक तो हमारा एक उल्टे तक हमारा पैटर्न रिपीट था। उसके बाद के जो ये दो फंदे हैं इसको हमें आखिरी वाले को एक नीचे से सीधा बुनना है और ये बिल्कुल किनारे का जो एज स्टिच है इसको हमें सीधा बुनना है। इस तरह से ये हमारी तीसरी लाइन जो है वो पूरी हो जाती है। अब हमारी चौथी लाइन है जो कि दूसरे लाइन के जैसी है जिसको हमें पूरा सीधा बुनना है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये कितना आसान डिज़ाइन है। कहने के लिए तो ये एक ही लाइन का डिज़ाइन है, तीसरी वाली लाइन में उसको थोड़ा इधर उधर किया गया है, बस आगे पीछे थोड़ा खिसकाया गया है डिज़ाइन को। बहुत ही आसान है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।